गुरुचरण सिंह की गुमशुदगी ने लोगों को हैरान कर दिया है। एक्टर की फैमिली उनकी तलाश में लगातार प्रयास कर रही है। इस बीच गुरुचरण के साथ काम करने वाली तारक मेहता का उल्टा चश्मा कास्ट ने उनके लापता होने की खबर पर अपनी बात रखी है। गुरुचरण सिंह को तारक मेहता छोड़े काफी टाइम हो गया। उन्होंने कोविड के बाद ही शो छोड़ दिया था, लेकिन टीम के लोगों से व्हाट्सएप और कॉल पर कनेक्टेड थे। एक्टर को लेकर कई दिनों से खबर आ रही है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं। हालांकि उनकी फैमिली ने इस बात से नकार दिया। वहीं अब तारक मेहता के प्रोड्यूसर आसिद मोदी ने उनकी गुमशुदगी पर रिएक्ट किया है। एक समाचार चैनल से बातचीत में आसिद मोदी ने गुरुचरण के बिहेवियर पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज है। वो गुरुचरण अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते थे। उनके कंधों पर उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी थी। हम एक दूसरे के साथ पर्सनल नहीं थे, लेकिन जितना मैं उन्हें जानता था वह बहुत धार्मिक इंसान था। आसिद मोदी ने आगे कहा, गुरुचरण ने कोविड के टाइम तारक मेहता शो छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद भी हमारे अच्छे संबंध बने हुए थे। वो हमेशा स्माइल के साथ मिलते थे, लेकिन उनका यूं गायब हो जाना शॉकिंग है। तलाश जारी है। मुझे उम्मीद है कि कुछ अच्छा ही होगा। मैं भगवान से उनकी सही सलामती के लिए दुआ करता हूं। हमारी आखिरी मुलाकात 6 से 7 महीने पहले हुई थी। इसी के साथ आसिद मोदी ने ये भी बताया कि क्या गुरुचरण को तारक मेहता छोड़ते वक्त पैसे नहीं मिले थे। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था। वो वक्त सबके लिए स्ट्रेसफुल था। शूटिंग रुक गई थी। हम नहीं जानते थे कि शो आगे चलेगा या नहीं। वो पल ही हमारे लिए मुश्किलों भरा था। फेक न्यूज के जमाने में सतर्क रहिए। सही और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।